लिखने में खत का, मकान की छत का, और लेने में अहिंसा अणुव्रत का। भगवान के भक्त का, बैठने में तख्त का, और होने में पापों से विरक्त का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े शांति से सुनने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और प्रवचन में प्रतिदिन आने का। चल्ले में पात का, मित्रों में साथ का, जहाजपुर के और पाटन के मुनि सुव्रत नाथ का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। खटकड़, कहाँ से आए हो? खटकड़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में खटकड़ का। और कहाँ से आए? नैनवा। गर्मी में हवा का, गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में नैनवा का। वजीरपुर। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में वजीरपुर का। और कहाँ से आई? काम में टना टन का, घंटा बजाने में टन टन का, और आने वालों में पाटन का। कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्मानाम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु। अणु व्रत क्या है? अणु व्रत। अणु किसे कहते हैं? जो छोटा होता है, है ना? और इतना छोटा नहीं, भगवान महावीर ने कहा है, आकाश के एक प्रदेश को जो पुद्गल परमाणु घेरता है उसे अणु कहते हैं। जो वैज्ञानिकों ने जिसे अणु कहा है, पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक अणु खोज करी कि ये अणु है। फिर और आने वाले समय में और वैज्ञानिक आए, उन्होंने उसके तीन टुकड़े कर दिए। अब और आएंगे, वो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन भगवान महावीर ने जो कहा कि अणु क्या है, पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा अणु कहलाता है, जो हमारी आँखों से और किसी मशीन से नजर नहीं आता है। अणु, अणु व्रत। व्रत, व्रत किसे कहते? अणु व्रत, महाव्रत, जिनगुण संपत्ति के व्रत, भक्तांबर के व्रत, दस लक्षण के व्रत, अष्टानिका के व्रत। व्रत किसे कहते हैं? व्रत शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ निकालेंगे? वे अणु यानी छोटा, महा यानी बड़ा, और व्रत दोनों के पीछे लगा महाव्रत, अणुव्रत। तो व्रत शब्द का क्या अर्थ है? आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो जीवन में एक बार जरूर पढ़ना। तत्वार्थ सूत्र के सातवें अध्याय का पहला सूत्र व्रत की परिभाषा है। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहो वृत्ति व्रतम। हिंसा
झूठ चोरी कुशील परिग्रह से विरक्त होना व्रत है। विरक्त होना, विरक्त जानते ना, अरे बोले तो घर में रह के विरक्त है, ये तो घर में ही रह के इसको विरक्ति है, यानी घर में रहकर जो घर को छोड़ रहा है उसको कहते विरक्त। उस वस्तु को छोड़ना, और कैसे छोड़ना, मन से छोड़ना, अंदर के भावों से छोड़ना, उसे कहते हैं व्रत। जो विरक्त हो गया उसने व्रत ले लिया, और जो विरक्त नहीं हुआ वो व्रत भी नहीं लेता है, और ले भी ले तो उसका वो फल प्राप्त नहीं करता है। भाई चलो सब लोग भक्तांबर के व्रत कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, अभी अंदर से भाव नहीं उठी, लेकिन सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। और एक नहीं, अनंत काल से खा रहे हैं, अनंत काल बीत गए खाते खाते, कब तक खाएंगे, कम से कम व्रत उपवास कर लें, इस माध्यम से थोड़ा तो छूटेगा, थोड़ा तो इस भोजन से दूर रहेंगे, और जितना थोड़ा इससे दूर रहेंगे उतना समय हमें भगवान की भक्ति के लिए मिलेगा, उतना समय हम स्वाध्याय कर पाएंगे, उतना समय हम माला फेर पाएंगे। विरक्त, आपने व्रत किया, विरक्त होके किया, इसका फल उत्तम है। व्रत करने के लिए बहुत लोग हैं, व्रत तो करते हैं, लेकिन व्रत कैसे करना है, विरक्त होकर के व्रत करना है। भाई इस बार तो हम 10 उपवास करेंगे, अच्छा ठीक है, फिर क्या, आपने सुबह की पूजा करी और घर में जाके लेट गए, फिर शाम की आरती करी, फिर जाके फिर लेट गए, अपना मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो सीरियल चल रहे थे तुम्हारे पुराने वो सीरियल देख रहे हैं, अब टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ी मूवी भी देख ली, थोड़ा अपना वो जो भोजन भोजन बनाने वाला चैनल आता है वो भी देख लिया, थोड़ा सा न्यूज भी देख ली, थोड़ा ये भी देख लिया, आपने उपवास किया है, विरक्त होके नहीं किया है। व्रत तो किया है मगर विरक्त होके नहीं किया है। शरीर को भोजन नहीं देना उपवास नहीं है, शरीर को जिस दिन भोजन नहीं दिया है उस दिन अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने भावों को, कषाय पाप और बाहर के विषयों का भोजन नहीं देना व्रत है। ये जो उपवास करवाया ना, ये शरीर को नहीं करवाया है, ये आत्मा को करवाया है, और आत्मा में जाता है राग द्वेष और कषायों का कचरा, तो उस दिन उस चीज से दूर रहना। तो जिस दिन पेट भूखा रहे ना उस दिन विचार भी बढ़िया रहते हैं, भाई ठीक है आज उपवास है, गुस्सा मत दिलवाओ बच्चों, आज लड़ना मत, आज मेरा उपवास है, भाई आज हम बाजार नहीं जाएंगे, आज मेरा उपवास है, चल माला फेर लेते हैं बैठ के, आज मेरा उपवास है, अब आज टीवी भी नहीं देखेंगे, आज पिक्चर भी नहीं देखेंगे, भाई क्यों नहीं देखोगे, आज मेरा उपवास है, भाई आज कपड़े भी नहीं धोएंगे, जो है कल देखेंगे, जो होगा सो, आज मेरा उपवास है, ऐसा होता कि नहीं होता, और ये ही उपवास है। आप भोगों से विरक्त हुए, आप कषायों से विरक्त हुए, आप पापों से दूर हुए, तो पेट का भोजन भी खत्म, और जो विचारों में उल्टा सीधा जा रहे थे विचार वो भी खत्म, अब आपका शुद्ध उपवास हुआ है। और ये संस्कार धीरे 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 आपको दीक्षा की तरफ ले जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, करते रहना। बहुत महिलाएं आती बोले माता जी हमारे ये व्रत हो गए, ये व्रत हो गए, ये 1234 के हो गए, सहस्त्र नाम के हो गए, ये तत्वासूत के हो गए, इतने व्रत हो गए, अब माता जी बस अब तो इच्छा है कि दीक्षा ही ले लें। ये कैसे भावना बनी, आपने व्रत इतने किए कि आपके अंदर इतने गहरे संस्कार पड़ गए कि आपकी भावना दीक्षा की भी हो गई। और जो व्रत नहीं करता है, हम तो भूखे नहीं रह पाते, हमसे नहीं होता है, वे तो हमारे यहाँ एक ही है करने वाली, कोई करता हो तो उसको और नीचा दिखाते, ये भूखी रहती है, हम नहीं रह सकते भूखे, इसको याद आता है भूखी मरने की, हमें तो हम नहीं कर रहे, हम तो खाते पीते आराम से रहते हैं। बोले ऐसा करते कि नहीं करते सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, खाने वाला बढ़िया है और नहीं खाने वाला, त्याग करने वाला छोटा, नहीं, यदि आप
कम से कम कर नहीं पा रहे हो तो जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करो। क्या करो? उसकी अनुमोदना कर। चल आज तेरा उपवास है, आज भोजन मैं बना लूंगी। पड़ोस में कोई है और तुम्हारी पड़ोसन सहेली है तो बहन देख तेरा उपवास है ना, तू चिंता मत कर, तेरा खाना आज परिवार का मैं बना दूंगी। आपने भले व्रत नहीं किया है मगर अनुमोदना कर ली। आज तू बच्चों की टेंशन मत कर, आज तेरे बच्चों को मैं देख लूंगी। आपने उसकी अनुमोदना कर ली। कृत कारित और अनुमोदना तीनों का फल प्राप्त होता है। अच्छे काम की अनुमोदना करोगे तो बिना उपवास किए थोड़ा सा पुण्य तो मिल ही गया, और यदि अच्छे काम की अनुमोदना ना करके आपने उसका अपमान किया, उसे नीचा दिखाया, तो बिना कुछ किए आपको पाप का बंध हो गया और आने वाले समय में आपके व्रत करने के भाव ही नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने अंतराय कर्म बांध लिया, आपने चारित्र मोहिनी का बंद कर लिया। हाँ, आजकल की महिलाएं भोजन छोड़ती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ती हैं, डाइटिंग करती हैं। उन्होंने कहा है कि भाई एक रोटी खाना, एक रोटी से ज्यादा मत खाना नहीं तो फैट बढ़ेगा। आलू भी छुड़वा दिए उन्होंने, चावल भी छुड़वा दिए, वो फैट बढ़ेगा ना, तो तला खाने के लिए भी मना कर दिया है। तो आजकल तो मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं नहीं, मेरा तो एक ही टाइम होता है। क्या हैं? पतले होने के लिए तो भूखा रह सकते हो लेकिन व्रत करने के लिए भूखा नहीं रह सकते हो। यदि व्रत कर लोगे तो डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो सामने तो सामने तला भुना सब अच्छा काम भोजन रखा है, डॉक्टर ने मना किया है, अब मन तो कर रहा है खाने का, चल इतना सा खा लेते, इतना सा बस 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 अब नहीं खाना। मन मार के तुम भूखी रहते हो। अरे खाने वाले दिन खाओ और उपवास करने वाले दिन उपवास करो। बात समझ में है कि नहीं आई? खाने वाले दिन खाओ और अष्टमी चतुर्दशी हर सप्ताह में एक बार आती है, करो ना उपवास, सब बैलेंस बराबर हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो उपवास नहीं होता मेरे से, ये कह कह के धर्म को छोड़ते जाते हैं, है ना? तो व्रत, व्रत किसे कहते हैं? विरक्त होने को व्रत कहते हैं। विरक्त क्यों हुए? क्योंकि पाप का फल पता चल गया। पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। पाप का फल पता चल गया, कर्म का फल पता चल गया, इसलिए पाप से बचने के लिए क्या करते हैं? व्रत करते हैं। जो पाप से विरक्त होता है वो व्रत करता है। कितने होते हैं व्रत? कितने होते हैं मूल में? पांच ही होते हैं। कितने होते हैं? पांच ही होते हैं। ये जो आप जो भक्तांबर आदि के व्रत आदि करते हो, ये तो साधना है। किसको? जो पांच व्रत हैं उनको बढ़ाने की साधना है। अब जैसे आपने उपवास किया उस दिन, आप बहुत से लोग जो साबुन भी नहीं लगाते, है ना, भाई आज हिंसा नहीं करेंगे तो हिंसा से दूर हुए, भाई आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज हमारा उपवास है, झूठ से दूर, भाई चोरी भी जो तुम किसी घर वालों की जेब से निकाल भी लेती थी थोड़ा बहुत, भाई आज रहने दो, आज तो व्रत है, आज रहने दो। अरे बोलिए ना, तो चोरी भी नहीं करी आपने और ब्रह्मचर्य का पालन भी आपने किया, बाजार नहीं गए तो परिग्रह इकट्ठा नहीं किया, तो आप पापों से विरक्त हुए ना, है ना? तो इन पापों से विरक्त होने के लिए और पापों को छोड़ने के लिए ये व्रत होते हैं। इन व्रतों के माध्यम से अनुव्रत की साधना की जाती है, इन व्रतों के माध्यम से महाव्रत की साधना की जाती है। इसी सातवें अध्याय का दूसरा सूत्र है, देह सर्वण तोणु महती, याद है आपको? जरूर आप पढ़ना, आपको ये सातवां अध्याय पूरा आपके लिए है, पूरा श्रावकों के लिए है। यदि आपने सातवां अध्याय पढ़ लिया तो तुम्हें क्या करना है पूरा रास्ता दिख जाएगा उसमें।
अर्थ सहित पढ़ लिया था। देश सर्व तोणु महती, देश यानी जो एक देश पालन करता है, एक देश का मतलब भारत देश नहीं, देश का मतलब एक हिस्सा, देश का मतलब एक हिस्सा, और सर्व का मतलब पूरा, सर्व का मतलब पूरा। तो देश सर्व तोड़ु महती, तो देश के साथ में तोड़ु में जो अणु आया है तो अणु लगा लो, और सर्व के साथ में जो महती आया है तो महा लगा लो। तो महाव्रत और देश व्रत, ये दो तरह के व्रत होते हैं। कितने तरह के व्रत होते हैं? देश व्रत और महाव्रत। जब एक हिस्सा पालन करते हैं तो उसे अणुव्रत कहते हैं, देश व्रत कहते हैं, और जब पूरा पालन करते हैं तो उसे महाव्रत कहते हैं। तो जब थोड़े विरक्त होते हैं तो एक देश व्रत का पालन होता है, और जब पूरे विरक्त हो जाते हैं तो महाव्रतों का पालन होता है। तो जब ये लगा कि नहीं, अब मुझे हिंसा पूर्ण रूप से छोड़नी है, मैं अब इस गृहस्थी की हिंसा को नहीं कर सकता हूँ, तो फिर क्या होता है? दीक्षा होती है। तो अहिंसा महाव्रत आ गया। और यदि भाई हम घर नहीं छोड़ सकते हैं, बाल बच्चे हैं, घर में सब लोग रहते हैं, हमारा कर्तव्य भी तो है, हम ऐसे कैसे छोड़ दें घर गृहस्थी? अभी मोह बाकी है, अभी मोह पड़ा हुआ है, ये मोह नहीं छोड़ने दे रहा है। तो बोले क्या करें? बोले एक देश व्रत का पालन करो। बोले कैसे करें? बोले त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वरना संहार। तो अहिंसा अणुव्रत का पालन कैसे करें? त्रस हिंसा को त्याग। कल पूछा था ना मैंने, यदि आपको हम नहीं मतलब कोई 10,000 रुपये दे और कहे इस चीटी को मार दो, मारोगे क्या? अरे बोलिए ना, नहीं मारोगे। लेकिन दिन भर में कितनी चीटियां मारते हो, जानबूझ के नहीं मार सकते हो, और अनजाने में हैं झाड़ू लगा रहे हैं, उसके नीचे आ गया, पोंछा लगा रहे, पोंछा लगाते देखते वो चल रही है, गया पोंछा और गई चीटी, है ना? तो सावधानी से काम करना, क्या करना? त्रस जीवों की हिंसा ना हो, इसीलिए सावधानी से काम करना। चाहे झाड़ू लगा रहे हो देख के लगाओ, पोंछा लगा रहे हो देख के लगाओ, तुम गैस जलाते हो तो बर्नल को साफ कर लो, सुबह सुबह जलाते हो ना गैस, रात में कितने जीव जंतु हैं जो वहाँ जैसे घूम रहे हैं चौके में, और जैसे तुमने कुंडा खोला चौके का तो उसकी आवाज़ सुन के या बहुत सारे आभास हो जाता कि कोई आ रहा है, सारे फटाफट वहाँ जाके छुप जाते हैं, और तुम जाके फटाफट लाइटर लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसीलिए कैसे करना, उसको एक बार झटक लो, एक बार साफ कर लो, उसके बाद रखो, फिर सावधानी। अब जो श्रावक है एक देश व्रत का यदि पालन करता है तो उसकी क्रिया में सावधानी आ जाती है। ये कम से कम जितना जीवों को बचा सकूं उतना बचा लो, चलता है तो देख के चलता है, कि कम से कम पैर के नीचे ना आ जाए। आप लोग यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में कोई मर जाए तो आपको कितना कष्ट होता है, होता कि नहीं होता? अरे बेचारा छोटी उम्र का था, देखो चला गया, है ना? ऐसे एक्सीडेंट अकेले मनुष्य के तो पता चल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पैर के नीचे कितनी चींटियां आई, कितने मकोड़े आए, कितने चींटे आए, कितने मच्छरों को मारा है, मच्छर काटते हैं चटा, मारते हो कि नहीं मारते मच्छर? तो जो आत्मा मनुष्य में है वैसे ही आत्मा अन्य जीवों में है, चाहे मच्छर हो चाहे मक्खी हो। यदि पाप मनुष्य को मारने में लगता है तो मच्छर को मारने में भी लगता है। अब मनुष्य तो कह देता है तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रशासन है, शासन है, सारी दुनिया में बहुत सारी चीजें बनी कि मानव रक्षा केंद्र और ये केंद्र वो केंद्र, अब मच्छर रक्षा केंद्र, मक्खी रक्षा केंद्र, चींटी रक्षा केंद्र, ये कोई नहीं बने, ये केवल भगवान महावीर बताते हैं। केवल भगवान महावीर ने बताया है कि जैसी आत्मा तुम्हारे अंदर है ऐसी ही आत्मा उनके अंदर है, जैसी रक्षा हम मनुष्य की करते हैं ऐसी रक्षा हमें अन्य जीवों की करनी चाहिए। जियो और
केवल मनुष्य के लिए है, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए है। हैं? चींटी क्या नहीं जीना चाहती? अरे बोलिए ना, यदि चींटी चल रही है ना, आप जरा सा हाथ लगाओ, रास्ता मोड़ लेती है, रास्ता बदल देती है कि यहाँ खतरा है, यहाँ से चलो दूसरी तरफ चलते हैं। उसके पास आंख नहीं है, उसके पास कान नहीं है, लेकिन जीवन जीने की जीवेशणा है, वो भी जीवन जीना चाहती है। मच्छर है, जरा सा हाथ हिलाओ उड़ जाता है, भागता है, छुप जाता है जाकर के। आप पकड़ने का प्रयास करते हो, मारने का, वो छुप जाता है जाकर के, वो भी जीना चाहता है। एक गाय के सामने डंडा लेके जाओ, वो भी भागती है, वो भी दुख से डरती है, वो भी जीना चाहती है। बोलिए हाँ या ना। हर जीव जीना चाहता है। क्यों? जीना उसका स्वभाव है। जो जीता है, जीता था, जिएगा, वो जीव है। तो हर जीव जीना चाहता है। तो यहीं से जब ज्ञान शुरू होता है कि मैं भी जीव हूं और ये भी जीव है, जब उसमें तुम्हें आत्मा नजर आने लगे, तो समझना कि हमारे अंदर धर्म आ गया। जब एक चींटी में आत्मा दिखने लगे, जब एक मच्छर में आत्मा दिखने लगे, जब एक मकोड़े में आत्मा दिखने लगे, एक कुत्ते में आत्मा दिखने लगे, तो समझना धर्म हमारे अंदर उतर गया। और जब तक नहीं दिख रही है, तब तक कर तो रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए अभी वो वाली बात नहीं है। बहुत से लोग धर्म करते ना, भगवान मंदिर क्यों जाते? बहुत बोले धर्म कर्म कर लिया कर कुछ, अपने बच्चों से क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, धर्म कर्म कर लिया कर कुछ, धर्म कर्म दो शब्द हैं। धर्म आप इसका प्रयोग तो करते हो, इन शब्दों की गहराई में नहीं जाते हो। धर्म होता है आत्मा के लिए और कर्म होता है शरीर के लिए। तो कर्म तो खूब कर लेते हैं, और कर्म करने से कर्म आता है, अच्छा कर्म से पुण्य आता है और बुरे कर्म से पाप आता है। कर्म से कर्म आता है और कर्म रहित होने से धर्म आता है। और कर्म रहित कितनी देर होते हो? 24 घंटे कर्म ही चल रहा है। जो धर्म करते हो ना, वो व्यवहार कर्म है। पूजा करना कर्म है कि धर्म है? अरे बोलिए ना, कर्म है कि धर्म है? पूजा करने वाले को धर्मात्मा कहोगे कि तो कर्मात्मा कहोगे? धर्मात्मा कहोगे ना, माला फेरना धर्म, अच्छा प्रवचन सुनना धर्म है। अब धर्म दो तरह का हो गया, एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म, जिसमें क्रिया की जाती है वो व्यवहार धर्म है, और वो निश्चय व्यवहार धर्म की क्रिया निश्चय में पहुंचने के लिए होती है। और निश्चय धर्म है जिसमें कुछ नहीं किया जाता है। हमारे भगवान धर्म कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे बोलिए ना, भगवान पूजा करते हैं क्या? भगवान माला फेरते हैं क्या? भगवान प्रवचन सुनते हैं क्या? नहीं, तो फिर वो धर्म नहीं कर रहे। इसका मतलब, हाँ समझो, गहराई से धर्म को जानने का प्रयास करो। भगवान धर्म कर रहे कि नहीं कर रहे? भाई आप धर्म कर रहे हो, हाँ या ना? कर रहे हो ना? आप तो हाँ भी नहीं बोल रहे, आप ही बता दो क्या कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। भाई मैंने अभी पूछा, पूजा करना धर्म है? बोले हाँ। मैंने कहा माला फेरना? बोले हाँ। आहार करवाना, आहार करवा, विहार करवाना, मंदिर बनवाना, तो भगवान तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, वो माला फेर रहे ना, वो पूजा कर रहे ना, वो मंदिर बना। अपना उनका मंदिर भी हम बनवाते हैं, वो तो अपना मंदिर भी नहीं बनवाते हैं, तो क्या वो धर्म नहीं कर रहे हैं? धर्ममय हो गए हैं। क्या है?
मैंने कहा निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म है, जिसमें मन वचन काय की क्रिया रुक जाती है और आत्मा में स्थिर ध्यान योग में चले जाते हैं, उसको कहते हैं निश्चय धर्म है। और ये क्रिया प्रारंभ होती है सातवें गुण स्थान से, जब बाहर की समस्त क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, केवल ध्यान में लीन हो जाते हैं, शुद्ध आत्मा बन जाते हैं, शुद्ध भाव में चले जाते हैं, उसको कहते हैं निश्चय धर्म। और उसके पहले पहले जितना जो कुछ हो रहा है वो शुभ क्रिया है। क्या है? शुभ क्रिया है, व्यवहार धर्म है। क्यों है? निश्चय में पहुंचने के लिए। तो पूजा करना धर्म है कि नहीं है? व्यवहार धर्म है। क्या है? हमारे भाई कह रहे 50% लोगों से कहो भाई पूजा हो गई, हाँ हाँ निपट गई, निपट गई। क्या निपट गई? अभिषेक निपट गया, पूजा निपट गई, माला निपट गई, हम सब निपटा आए। अब तो कुछ नहीं करना अब मुझे, अब निपटाने का अर्थ भी समझ लो कि क्या मतलब, क्या कहाँ क्या शब्द प्रयोग करना है। शब्दों का प्रयोग करना भी नहीं आता। जहाँ फूल का प्रयोग करना वहाँ पत्थर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पत्थर का प्रयोग करना वहाँ फूल का प्रयोग करते हैं। हमें तो जी रहे हैं बस, क्या जी रहे हैं, करना क्या है ये कुछ भी पता नहीं है। और ये पता तब चलेगा जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा। कब पता चलेगा? ज्ञान आएगा। और ज्ञान कैसे आएगा? स्वाध्याय करते नहीं, धर्म चर्चा करते नहीं, महापुरुषों का ध्यान करते नहीं, हैं प्रवचन सुनते नहीं। अब ज्ञान आए तो कहाँ से आए? जितने ज्ञान आने के रास्ते हैं वो सारे बंद कर दिए और अज्ञान में पड़े हैं। अब अज्ञान में दुख के अलावा कुछ नहीं है। ये बाहर का कितना इकट्ठा कर लेना, कितनी सामग्री बाहर की, कितने मशीनें इकट्ठे कर लेना, सब मशीनी तो है। दिन भर मशीनों का प्रयोग ही तो करते हो। मोबाइल क्या है? मशीन। कपड़े धोने की क्या है? मिक्सी क्या है? हैं? और भी जितनी सब मशीनी तो है। पंखा क्या है? मशीन। तो मशीनों के बीच में शरीर क्या है? भाई सब चीज को चलाने के लिए भी तो मशीन को चलाने के लिए भी तो मशीन चाहिए। तो इन सब मशीनों को चलाने वाला भी ये मशीन है, लेकिन इसमें जो बैठी आत्मा है वो मशीन नहीं है, वो एक चेतन द्रव्य है, वो भावपूर्ण द्रव्य है, वो सुख दुख महसूस करने वाला द्रव्य है। और वो मैं हूं। कौन हूं? वो चेतन द्रव्य मैं हूं। मशीन खराब हो जाए पैंच पुर्जे बदल देते हो, ये मशीन खराब हो जाए, इसमें भी आजकल पैंच पुर्जे लगने लगे हैं। हाँ वो बोले स्टील की राड डली है पैर में, बोले वो एक वो क्या पेज मेकर आता क्या आता है वो यहाँ लगाते दिल में धड़कन चलाने के लिए, हाँ तो वो भी एक मशीन ही है। बोले चुंबक से दूर रहना, बोले क्यों? बोले ये लोहा लगा इसमें, हाँ हाँ नहीं तो वो चुंबक आएगी तो निकल के बाहर आ जाएगा। तो मशीन तो मशीन है, ये भी मशीन है और वो भी मशीन है, लेकिन इसको जो चलाने वाला है वो आत्मा है। तो बात चल रही है अणुव्रतों की, हम तो मशीन पे पहुंच गए। बंधुओं अणुव्रतों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। कल मैंने बताया था अणुव्रतों के नाम बताए थे, कल बताए थे आपको याद है, पता है कि अणुव्रत ये तो बता दिया मैंने पांच होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको पता है? अरे बोलिए ना, हाँ बोलिए। अहिंसा, हाँ चलो इन्होंने बता दिए, अब बाकी लोगों को नहीं पता इसका मतलब। आपने ताली बजा दी, बस आपका तो काम क्या है?
अच्छा काम तुम करो और हम अनुमोदन कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। रसगुल्ले के देख जिसने खाया उसकी अनुमोदना कर ली, हमें नहीं खाना। कल आज फिर बता देती हूँ, पाप कितने होते हैं? पांच। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, अब हिंसा का उल्टा करो, अहिंसा। अब अहिंसा व्रत के आगे अणु लगा दो, अहिंसाणु व्रत, है ना। अब दूसरा पाप जो है वो असत्य है, झूठ को, झूठ का दूसरा नाम क्या है? असत्य। अब असत्य का आ निकालो, क्या बचा? सत्य। अब इस आ को चोर यानी चोरी उसके आगे लगा दो तो क्या बन गया? अचौर्य बन गया, है ना। अब जो अब्रह्म है यानी कुशील, अब्रह्म है ना। अब अब्रह्म का आ निकालो, क्या बन गया? ब्रह्मचर्य। क्या बन गया? ब्रह्मचर्य। अब ये वाला आ उठा के परिग्रह के आगे रख दो, वो वही वही सेटिंग करनी है। अब अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, आचार्य अनुव्रत, आचार्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत और अपरिग्रह महाव्रत। हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? आज यही याद करना, कल याद करके आना, ठीक है। आज दिमाग में घुमाते रहना, यदि कोई आपको कुछ बुरा कह दे तो आपके दिमाग में घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है ना। अब कोई अच्छा कह दे तो आज आपको यही चिंतन मनन करना, 5 मिनट ध्यान करना है बैठ के और 5 अणुव्रत या महाव्रतों के विषय में सोचना है। इतना कर लोगे मेरे कहने से? अरे बोलिए ना, कौन कौन कर लेगा? अच्छे से हाथ उठाकर बता दो। हाँ, देखते लो कौन कौन मेरी बात को मानेगा। वो मैं क्यों कह रही, आप समझ लो कौन बात मानेगा, मुझे पता चल जाएगा कौन बात मानेगा और कौन नहीं मानेगा। अब उठाइए हाथ, कौन कौन बात मानेगा? नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं पाटन वाले, बहुत अच्छे। झालरा पाटन भी मैं 9 महीने रही थी सन 11 में, और अब ये दूसरा पाटन मिला है। अब देखो कितना क्या होता, कैसे होता, विचार करती हूँ, चर्चा करती हूँ। और आपको परखने में तो टाइम लगेगा ना, जब तक परखूंगी नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। अब आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, ये समझ लो आपके टेस्ट शुरू हो रहे हैं। तो बंधुओं, 5 अणुव्रत। तो पहले अहिंसा अणुव्रत क्या कहता है? त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वरना संघारे। त्रस हिंसा का त्याग क्या कह रहा है? त्रस हिंसा का त्याग। त्रस क्या? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव को त्रस कहते हैं और 1 इंद्री जीव को स्थावर कहते हैं। तो त्रस हिंसा का त्याग, व्रथा थावर न संगारे, व्यर्थ में स्थावर हिंसा भी नहीं करना। स्थावर भी 5 तरह के होते, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक और वायु का एक, ये 5 तरह के होते। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आने वाली 2 मई और 3 मई को एक द्विदिवसीय कार्यक्रम इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन धरा पर मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। 2 मई को मुनीश्वरनाथ भगवान के ज्ञान कल्याण के शुभ अवसर पर संध्याकालीन वेला में आरती के बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर होगा और 3 मई को सुबह भगवान के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के पावन अवसर पर सुबह 6:30 बजे से अब लघु अभिषेक के साथ में मुनीश्वरनाथ विद्वान और उसके बाद में 7:30 बजे मुनीश्वरनाथ भगवान का अतिशयकारी बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तक अभिषेक होगा। बंधुओं, उस दिन का अभिषेक 1 कलश शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पधारें, यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से 1 कलश
शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। अभिषेक शांति धारा के बाद में स्वस्ति धाम परिसर में ही एक रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। शाम को संध्याकालीन बेला में भक्तामर पाठ होगा रिद्धि मंत्रों के साथ में और मुनीश्वर नाथ भगवान का पालना जुलाया जाएगा, भक्ति संध्या होगी। इन सारे कार्यक्रमों का आप आनंद लें। सभी के लिए आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है, आप अपनी स्वीकृति यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद कि ऐसा विशाल मंदिर मुनीश्वर नाथ भगवान का उन्होंने बनाया, बड़ा ही अतिशयकारी चमत्कारी प्रतिमा है। इनके दर्शन करने का भाव, कलश करने का भाव बार बार आता है। ऐसे भगवान को नमोस्तु नमोस्तु। रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।